हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई डिस्कस स्टैंडर्ड 6 साइंस, योर चैप्टर 7th। सेवंथ चैप्टर इज रिलेटेड टू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग और ऑर्गेनिज्म, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इस चैप्टर में लिविंग और नॉन लिविंग रिलेटेड से हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, और इससे बैक क्लासेस में भी जो है लिविंग और नॉन लिविंग वर्ड से आइडेंटिफाई है कि लिविंग और नॉन लिविंग का मीनिंग क्या होता है। मतलब लिविंग क्या होता है, ऐसे थिंग, ऐसे एनिमल्स जिसमें डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, उसका पॉपुलेशन इंक्रीज कर सके, तो ऐसे हम लोग एनिमल्स को क्या बोलेंगे, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग एनिमल्स। और ऐसे एनिमल्स यानी कि जो डेथ कर रहे हैं, जिसमें ग्रोथ, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट, ये सभी जो है वो स्टॉप हो गया है, यानी कि ये चीज खत्म हो गया है। तो ऐसे एनिमल्स को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे थिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग। तो ये पता चला। इससे पहले हम लोग आइडेंटिफाई होते हैं कि हमारे नेचर्स में कई सारे ऐसे हमारे आसपास जो है ऑब्जेक्ट या सब्सटेंसेस पड़ा हुआ है, जैसे बोर्ड। बोर्ड जो है इसमें डेवलपमेंट होता है क्या, इसमें जो है ग्रोथ होता है, नहीं तो ये क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग। टेबल, चेयर, पेन, स्केल, मार्कर, ये सभी क्या है आपका, नॉन लिविंग थिंग है। ह्यूमन बॉडी वो क्या है, लिविंग थिंग है, लेकिन फिर वो ह्यूमन अगर डेथ कर जाए तो वो क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग हो गया। तो इससे पहले हम लोग ये जान लें कि ये सब्सटेंसेस से पहले कि मैटर्स में क्या है। एनीथिंग, एनीथिंग दैट हैज ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। हमारे नेचर में कोई भी चीज जो एक स्पेस लेता हो, जिसमें कुछ ना कुछ मास हो, तो ऐसे थिंग को, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, मैटर बोल देंगे। यानी कि अप्रॉक्स में अगर हम ये कहें जनरली में कि हमारे आसपास जितने सारे ऑब्जेक्ट को, जितने सारे थिंग को हम लोग देखते हैं या फील करते हैं, जैसे एयर को हम लोग देखते नहीं है, उसको फील करते हैं किसी के द्वारा, तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे थिंग क्या है, मैटर्स हैं। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके लिविंग थिंग के, लिविंग मैटर्स के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो जनरली एनिमल्स यानी कि सेल्स, लिविंग थिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। करेक्ट, जितने सारे लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सभी के सभी जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है। इस पार्टिकल्स को ये बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। सेल्स को बिल्डिंग यानी कि बिल्डिंग जैसे बनाने के लिए हमें ईंट की आवश्यकता होती है, ब्रिक्स की आवश्यकता होती है, स्टोन की आवश्यकता होती है, सैंड की आवश्यकता होती है। तो ये सैंड, ब्रिक्स, स्टोन, ये सभी क्या है, उस बिल्डिंग का मटेरियल्स हैं। तो उसी तरह यहाँ पर हमारे लिविंग थिंग का जो सेल्स है, सेल्स के ही द्वारा किसी लिविंग थिंग का, किसी जो है एनिमल्स का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सेल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग का क्या है, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यानी कि अगर सेल्स है किसी भी एनिमल्स का, किसी भी ऑब्जेक्ट की, प्लांट्स का, जो सबसे स्मॉलेस्ट
पार्ट है, यानी कि प्रत्येक सेल जो एक टिनी सेल से बना हुआ है, प्रत्येक ऑब्जेक्ट, प्रत्येक एनिमल्स जिसको हम लोग टिनी सब्सटेंसेस से बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल्स, करें कुछ ऐसे हमारे नेचर्स में प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सिंगल सेल्स के बने हुए हैं, और कई ऐसे जो है प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो मल्टी सेल्स के बने हैं। सिंगल सेल्स का मतलब हो गया कि जो वन सेल से बना हुआ एनिमल्स या प्लांट्स हो उसे हम लोग यूनिसेलुलर बोलेंगे, और जो मोर देन टू और मोर देन टू सेल्स से बना हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई प्लांट्स हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर एनिमल्स या प्लांट्स बोलेंगे। तो आपको पता चला कि यूनिसेलुलर क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस जो सिंगल सेल से बना हो, ऐसे एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना हो उसे यूनिसेलुलर, और जो मोर देन टू सेल्स से बना हो या मिलियंस ऑफ सेल्स से बना हो उसे क्या हम बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स बोलेंगे। अब ये देखते हैं कि जितने सारे यूनिसेलुलर सब्सटेंसेस हैं, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स हैं, वो इतने स्मॉलेस्ट साइज में होते हैं, इतने स्मॉलेस्ट साइज में होते हैं कि इस नेक्ड आई के थ्रू हम उसे नहीं देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, माइक्रोस्कोप। लेकिन जनरली यूनिसेलुलर एनिमल्स या प्लांट्स को देखने के लिए, इसलिए कि वो काफ़ी जो है साइज में छोटा होता है, इसीलिए उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो उसे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स एंड एनिमल्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स वी सी अराउंड अस, कह रहा है कि हमारे आसपास कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स है जो हम उसे डेली जो है देखते हैं, आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, जो कि कई सारे सेल्स से बना हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जनरली साइज, शेप और उसके फंक्शंस जो है वो डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं उसके, इसलिए कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, मल्टी सेलुलर प्लांट्स हैं। जब मल्टी सेलुलर प्लांट्स हैं तो उसके साइज, शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शंस भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन लिविंग थिंग। अब यहाँ पे हम ये जो है लिखे हैं कि सेल्स, एरो देकर के टिश्यूज, फिर एरो ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम। बच्चों हम ये देखते हैं कि जो हमारा ऑर्गेन सिस्टम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी एनिमल्स या प्लांट्स का जो ऑर्गेन सिस्टम है, यानी कि उसके होल बॉडी जो फंक्शंस करता है, तो वो होल बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेन सिस्टम बोलते हैं। यानी कि उस बॉडी में जितने सारे पार्ट हैं वो क्या है, ऑर्गेन्स हैं। उसके उस बॉडी के पार्ट्स, यानी कि हम अगर ये कहें कि सबसे बॉडी का, हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट्स क्या हो गया, सेल्स, इससे ग्रेटेस्ट क्या हो गया, टिश्यूज, और इससे ग्रेटेस्ट क्या हो गया, ऑर्गेन, और उससे भी ग्रेटेस्ट क्या हो गया, ऑर्गेन सिस्टम। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट हमारे बॉडी का पार्ट्स क्या हो गया, किसी भी एनिमल्स का, वो हो गया सेल। कई सारे ऐसे सेल्स मिल करके जिसके फंक्शंस सेम होते हैं, वो सेल्स मिल करके क्या बनाते हैं, टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि हम ये कहें कि ग्रुप ऑफ सेल्स रिकॉर्ड टिश्यूज। उसके बाद कई सारे ऐसे टिश्यूज मिल करके एक ऑर्गेन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेन का फॉर्मेशन करते हैं।
और फिर कई सारे ऑर्गेन मिल करके ऑर्गेन सिस्टम तैयार करता है। हम ये क्या है, हमारे हाथ में मार्कर है, ये मार्कर जो है प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ, वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो क्या है, सेल्स है। अब ये मार्कर में भी देखते हैं कितने सारे पार्ट हैं, इसके कवर हैं, इसके बॉडी हैं, इसके टॉप लेयर हैं, ये सारे पार्ट हैं। ये पार्ट क्या हो गया आपका, ऑर्गेन हो गया। उसके बाद ये सभी मिलकर, पार्ट मिलकर के इस मार्कर का फॉर्मेशन किया, और ये मार्कर क्या कहलाया, ऑर्गेन सिस्टम कहलाया। तो ये है हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शंस, कि सेल्स का फॉर्मेशन हो, कोई भी बॉडी या कोई ऑर्गेनिज्म या कोई भी एनिमल्स का फॉर्मेशन होता है वो सेल्स के द्वारा होता है। सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के टिश्यूज का फॉर्मेशन करता है, कई सारे टिश्यूज मिलकर के किसी ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन करता है, और कई सारे ऑर्गेन मिलकर के ऑर्गेन सिस्टम तैयार करता है, जो हमारे बॉडी जो है एक मशीन्स के रूप में वर्क करता है, और हमारा ये मशीन्स जो है वो हमारा बॉडी है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन लिविंग थिंग्स, द सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स व्हिच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। ए ग्रुप ऑफ ए स्मॉलर सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शंस इज कॉल्ड टिश्यूज। अभी जस्ट डिस्कस किए कि टिश्यूज क्या है, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शंस इज कॉल्ड टिश्यूज। डिफरेंट ग्रुप ऑफ टिश्यूज टूगेदर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ए ग्रुप ऑफ टिश्यूज विच वर्क टूगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शंस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ ऑर्गेन। ए ग्रुप ऑफ टिश्यूज विच वर्क टूगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शंस इन अ बॉडी इन अ एनिमल इज कॉल्ड ऑर्गेन। जैसे एक बॉडी का फॉर्मेशन जो है होता है, बॉडी में हमारी बॉडी में लंग्स हैं, हार्ट्स हैं, आइज हैं, टीथ हैं, ये सभी क्या है, हमारी बॉडी के ऑर्गेन हैं। कई सारे ऑर्गेन्स मिलकर के हमारे बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शंस इन अ कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर इज कॉल्ड ऑर्गेन सिस्टम। अब ये ऑर्गेन सिस्टम का फॉर्मेशंस कई सारे ऑर्गेन्स मिलकर के हुआ है, जैसे माउथ, स्टोमक, लीवर, हार्ट, किडनी, लंग्स। तो ये सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है, अब इस ऑर्गेन सिस्टम के भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग थिंग मूव। ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड एस्केप फ्रॉम एनिमीज। तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशंस। कह रहा है कि जितने सारे लिविंग थिंग है अपने शेल्टर के लिए, अपने फूड के लिए, किसी अदर एनिमल्स से बचने के लिए जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते रहता है। तो ये जो मूवमेंट होता है अपने नीड को, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, लोकोमोशंस बोलते हैं। तो पता चला कि लोकोमोशंस क्या है। नेक्स्ट है लिविंग थिंग नीड फूड। करेक्ट, लिविंग थिंग को फूड की आवश्यकता क्यों होता है, कैन वी लिव विदाउट फूड। एक क्वेश्चन आपका आता है कि क्या आप चाहे विदाउट फूड का रह सकते हैं, नो ये पॉसिबल नहीं है, वी कांट लिव। तो फूड के लिए क्यों आवश्यकता पड़ता है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए कि बॉडी जो है
जैसे कोई अगर मशीन वर्क करता है, तो कोई मशीन जब वर्क करता है तो उसको किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलता है, फ्यूल्स के बर्निंग होने से मिलता है। तो फ्यूल्स के बर्निंग होने से उसे एनर्जी मिला तो वो मशीन जो है रनिंग में आया। तो उसी तरह हमारा जो बॉडी वर्क करेगा, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो कैसे होगा, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगा, तो फूड से मिलेगा। तो इसीलिए जितने सारे लिविंग थिंग हैं उसको डेवलप, उसके फंक्शंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब एनर्जी की आवश्यकता होगी तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा या डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स से मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।